विकास नगर कृषि मंडी में पड़ा गंदगी का अंबार लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जहां तहां पड़ा कूड़ा और दूषित जल जानलेवा बीमारियों को न्योता दे रहा है, जिसकी शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारी नींद में हैं। मामले में अभी तक किसी भी अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की, यहां तक कि मंडी समिति के सचिव भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शर्मा जी, यहां पे जो आवारा पशु देखे जा रहे हैं मंडी में, जो कि काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है लोगों को, ये क्या है पूरा मामला? ये मेरे सामने देखो, यहाँ पर गायें घूम रही हैं, गंदा पानी यहाँ भरा हुआ है, जो पीती हैं उसके बाद बीमार हो जाती हैं। ये मच्छर जो हैं, लोग जो यहाँ पर आएंगे, डेंगू के मच्छर यहाँ पर होंगे, जो लोग यहाँ आएंगे उनको डेंगू हो जाएगा। ये क्या है, ये नगर, ये जो हमारी मंडी समिति के सचिव हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ जो है मंडी का जो टैक्स ले रहे हैं, उन पैसों को क्या बंदर बांट कर रहे हैं? और जो है आप देख लो कि मंडी की वो हालत ख़राब पड़ी हुई है, सब जगह पानी भरा हुआ है, गंदा पानी भरा। आप कहीं चले जाओ, इधर सामने मेरे सामने देखो, इधर भी गंदा पानी है। तो ये गंदा पानी जो इधर है, जो कबाड़ा है इधर है, ये सब क्या है? इतनी गंदगी हो रही है, सफाई किस किस टाइम होती है, क्या होता है सब? तो आप यहाँ पे सफाई कर्मचारी नियुक्त थे या आप प्राइवेट? प्राइवेट ही है। अच्छा, आप यहाँ पे किसी की दुकान पे काम करते हैं, मतलब अपनी दुकान के सामने से कचरा उठाते हैं? ठेकेदारी है सर यहाँ पे। अच्छा, ठेका ठेकेदार पे है। नगर पालिका का इससे कोई मतलब नहीं है क्या? आपको कितने पैसे देते हैं? कितने पैसे मिलते हैं आपको? 7,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। 7,000 रुपये जी, 7,000 रुपये तनख्वाह मिलती है आपको। कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? मैं तो सर अभी 2 महीने करीब। ये कचरा यहाँ से इकट्ठा करके कहाँ पे फेंकते हैं आप? रिक्शे में डाल के इकट्ठा करते हैं, फिर वहाँ से ट्रैक्टर में जाता है। ट्रैक्टर में कितने दिन में जाता है? एक हफ्ते में। एक हफ्ते में एक ही बार आती है गाड़ी? डेली आती है, हर हफ्ते। गाड़ी तो हफ्ते रहती है सर। तो हफ्ते में एक ही बार आती है बस? नहीं, दो बार है। दो बार भी आ जाती है? नहीं, बताना नहीं है सर। नहीं की व्यवस्था है जी सर, और ना ही अभी हमने बाथरूम का देखा है, वहाँ पे टॉयलेट जो बने हुए हैं उनमें भी पानी भरा हुआ है। सफाई का क्या है पूरा मैटर, क्यों क्यों सफाई नहीं हो पाती है सर? यहाँ पानी नहीं आता है, इस वजह से हमें दिक्कत है। सफाई पानी के बिना नहीं हो सकती, और ये टॉयलेट है, यहाँ पानी की जरूरत पड़ती है। वहाँ उधर से देखने से तो ऐसा लग रहा है सीवर टैंक आपका ब्लॉक हुआ हो अंदर से। नहीं सर, सीवर टैंक नहीं है। सीवर टैंक खाली पानी की व्यवस्था। पानी की कब से हो रही है किल्लत आपको? ये जब से मैं 1 अप्रैल से आया हूँ सर। 1 अप्रैल से, यानी कि उससे पहले से ही ये समस्या है यहाँ पे जी सर। तो इसमें आपने किसी को कोई ज्ञापन दिया है? ज्ञापन दे रखा था सर, 5-6 महीने हो गए, इधर से भी सब लोग गए थे, तब भी कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे। ज्ञापन किसे दिया था आपने? ज्ञापन इन लोगों को दिया होगा, सचिव साहब को। अच्छा, तो यहाँ पे नगर पालिका कुछ नहीं देखती क्या? क्या है नगर पालिका? कोई मैटर नहीं सर, ये तो सस्ता लगे। मंडी समिति, ये किसके अंडर में आती है? ये सचिव साहब। सचिव कौन है? सचिव का नाम नहीं जानता सर, उधर मिलेगा ऑफिस में।